दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया में मौजूद सबसे महंगी पेंटिंग्स के बारे में। जो पेंटिंग्स इतनी महंगी है कि अगर आप चाहें तो उनमें से किसी भी एक पेंटिंग को बेच अपने लिए एक पूरा शहर खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इन सभी पेंटिंग्स के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण आज आपको बताने जा रहे हैं। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। असल में दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग होने का खिताब इस पेंटिंग को 1962 में ही मिल गया था, जब इस पेंटिंग को उस समय 7 अरब रुपए में बेचा गया और जिसकी कीमत आज के हिसाब से 51 अरब रुपए के करीब है। सोच के देखिए, एक पेंटिंग जिसकी कीमत 51 अरब रुपए है, जिन पैसों से आप आराम से अपना एक लग्जरी शहर बसा सकते हैं, दुनिया में मौजूद हर उस लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं जो लाइफ केवल रॉयल लोगों के लिए ही बनी है। सोच के देखिए, आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? तो चलिए हम आपको बता दे, असल में ये पेंटिंग जिस पेंटर ने बनाई है उनका नाम लियोनार्डो दा विंची था, जो कि उस समय के सबसे बड़े पेंटर थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाने में लगा दिए। आप कह सकते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की मौत से पहले की आखिरी पेंटिंग थी जिसकी कीमत का कोई मोल नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये पेंटिंग आज भी पेरिस के लवेरी म्यूजियम में सुरक्षित रूप से रखी गई है, लेकिन अगर आप इसे देखने जाने वाले हैं तो आपको बता दे इसके लिए आपको काफी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। इंटरचेंज विलियम द क्वीन। जिन लोगों को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता उन लोगों को इस पेंटिंग को देख के यही लगेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा इस पेंटिंग को 22 अरब रुपए में खरीद लेना किसी तरह की बेवकूफी ही होगी। लेकिन दोस्तों असल में ये पेंटिंग बीते दिनों में 22 अरब रुपए में ही बेची गई, और जिसका सबसे बड़ा कारण इस पेंटिंग से जुड़ी उस स्टोरी को बताया जाता है जिस स्टोरी को आप कोइन की हर पेंटिंग में देख सकते हैं। हर वो पेंटिंग जो जब भी बनाई गई किसी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कई लोग आज भी इस पेंटिंग के महंगे होने का कारण उन अमीर लोगों को मानते हैं जो कि जानबूझकर इस पेंटिंग को इतने महंगे में खरीदते हैं ताकि कुछ समय बाद उसे उसकी दुगनी कीमत में बेच सके, और जिस कारण से इसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। द कार्ड प्लेयर्स। पॉल क्रीजन के द्वारा बनाई गई 5 पेंटिंग्स जिनमें से एक पेंटिंग ने कामयाबी के हर उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसके चलते उसे सन 2011 में कतार के एक रॉयल परिवार ने 32 अरब रुपए में खरीद लिया, और बाकी की चारों पेंटिंग्स आज भी पॉल क्रीजन के होम टाउन म्यूजियम में मौजूद है। बताया जाता है कि इस पेंटिंग में मौजूद प्लेयर कार्ड गेम खेल रहे हैं और उनके गेम के प्रति ध्यान को इस तस्वीर में काफी बारीकी से दिखाया गया है, और उसी बारीकी के चलते आज इस पेंटिंग की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लोगों द्वारा इन पेंटिंग्स को इतने महंगे में खरीदना चाहिए या फिर उन पैसों को उन जरूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।